हाथी और चूहे। एक बार जंगल के सारे हाथी इकट्ठा होकर खाने की तलाश में एक दूसरी जगह के लिए निकल पड़े। जब हाथी जा रहे थे तो काफी सारे चूहे उनके पैरों के नीचे दबकर मर गए। इसके बाद सारे चूहों की एक मीटिंग हुई। उन्होंने फैसला किया कि वो हाथियों के सरदार से मिलेंगे और उन्हें इस बारे में बताएंगे ताकि कोई हल निकल सके। चूहों का सरदार मस्ती में जा रहे हाथियों के सामने आकर खड़ा हो गया। इतनी हिम्मत, तुम हमारा रास्ता रोकोगे? जीना चाहते हो तो हट जाओ रास्ते से। सर, गुस्सा मत होइए। आप पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अपनी बहादुरी के लिए हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। हम तो आपको अपनी एक समस्या बताने आए हैं। हमारे काफी साथी आपके पैरों के नीचे कुचले गए हैं। तो अगर आप अपना रास्ता बदल सकें तो हमें बहुत खुशी होगी। क्या आप ऐसा करेंगे? मुझे काफी दुख हो रहा है। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, फिक्र मत करो। देखो, हमें अपना रास्ता बदलने में कोई दिक्कत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें हमसे कोई परेशानी नहीं होगी। शुक्रिया, हम आपकी आभारी हैं सर। आपने हमारा मजाक नहीं उड़ाया बल्कि हमारी रिक्वेस्ट मान ली। जरूरत पड़ने पर हम भी मदद करेंगे। अब हम चलते हैं। ये सुनकर हंसी नहीं आ रही कि एक छोटा सा चूहा हमारे जैसे बड़े जानवर की मदद की बात कर रहा है। एक दिन रोज की तरह हाथी तालाब में नहाने जा रहे थे। उन्हें अचानक से शिकारियों ने जाल में फंसा लिया। उनकी चिंघाड़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। ये आवाजें सुनकर चूहों को पता चल गया कि हाथी खतरे में है और फिर सारे चूहे उसी दिशा में भागे जहाँ से आवाज आ रही थी। चूहे हाथियों की परेशानी को समझ गए और उन्होंने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। हाथियों ने अपनी सूंड उठाकर चूहों को शुक्रिया कहा। चूहे भी हाथियों की पीठ पर बैठकर मजे से खेलने लगे। तो मॉरल है, हमें कभी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। जरूरत पड़ने पर कोई भी हमारे काम आ सकता है। समझ गए ना दोस्तों? Come on, little bunnies. Give thumbs up for the video, share with your friends, and subscribe to our channel for more awesome videos.